निर्दोष शब्द को अगर इतना सताया जा रहा है और आज की डेट में इतना झूठे इल्ज़ाम लगा करके वो लड़की कुछ भी बोले, आज की डेट में क्यों नहीं मैं बोलूँगी, बोलूँगी मैं तो। ये बात बिल्कुल गलत है, बापू जी कोई दोषी नहीं है। आज उनकी हालत देखिए, 7 साल से वो अंदर है, 7 साल में एक बुजुर्ग इतने संत है, एक मानवता के नाते भी आप लोगों को सोचना चाहिए। एक कि भाई एक हमारे दादाजी की उम्र के हैं वो, पर आज की डेट में उनको इतना भी एक दिन की बेल भी नहीं दी जा रही उनको, एक दिन का कुछ भी नहीं, क्यों आखिर? हाईकोर्ट गलत कैसे करेगा? हाईकोर्ट गलत नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेशन कोर्ट ने गलत किया कि हाईकोर्ट ने गलत किया। सिर्फ इतनी सी बात है, क्या सिर्फ सबको बेल मिलती है, सबको रिलीफ मिल रहा है? एक दिन के लिए बाबूजी की हालत तो देखते हैं, कितने 7 साल में वो बंदा सामने इतना कहीं पर देखा नहीं है, कुछ उन्होंने किया नहीं है, उसके बाद में भी आप एक दिन की उनकी यहाँ पर उनको हार्ट की इतनी भयंकर बीमारी हो गई है, उनको इतना वो है, तब भी उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं लग रहा। मैम ट्रायल कोर्ट में आपकी 6 साल थी, आप उसमें आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उठाई थी, किसने बोला कि नहीं उठाई? हमें पता नहीं, इसीलिए तो आपसे जानते हैं। सब हुआ था, ऐसा नहीं है, ट्रायल कोर्ट में आदर कर, सॉरी मैं यही कहूँगी, अभी भी मैं यही कहूँगी कि हाई कोर्ट से भी मेरी यही अपील है कि जो भी अभी हम लोग के साथ में हुआ है उसमें हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हम लोग निर्दोष थे, तो वही चीज़ अभी हाई कोर्ट की तरफ से भी हमें रिलीफ मिले। अभी आसाराम जी की तबीयत कैसी है? मुझे भी नहीं पता, मेरे से ज़्यादा तो आप लोग जानते हैं, आप लोग बिल्कुल साथ साथ घूम रहे हैं, मैं तो जस्ट अभी बस मैंने कदम रखा था और आप लोग एकदम। ऑल द बेस्ट मैम, प्लीज ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू मैम।